अल्लाह ताला ने इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ पैगंबर भेजे। जब किसी कौम पर कोई पैगंबर या नबी ना आता तो वो कौम कायनात के अजीबो गरीब निज़ाम को देखती और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती कि ये सब कुछ किसने और क्यों बनाया, और वो कौम अपने ही नज़रियात कायम करके भटक जाती। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या पैगंबर ना आया तो लोगों ने कायनात के निज़ाम पर गौर करना शुरू किया। वो सूरज को मशरिक से निकलते और मगरिब में गरूब होते देखते, रात के वक्त चमकते सितारों को देखते, चांद को गर्दिश करते देखते और गौरव फिक्र में मशगूल रहते। बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में लोग अल्लाह ताला के वजूद और कायनात की तख्लीक के सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रियात रखते थे। मिस्र के कदीम बाशिंदों का ख्याल था कि जब ये दुनिया वजूद में आई तो यहाँ सिवाय पानी और तारिकी के कुछ भी नहीं था। तो फिर इस पानी में एक कमल का फूल पैदा हुआ और इस फूल से वो देवता पैदा हुआ जिसने ये दुनिया बनाई। बाज़ कदीम मिस्रियों का ये भी ख्याल था कि इब्तदा में सिर्फ पानी था और एक अजीम तारिकी छाई हुई थी। इस तारिकी से घिरे हुए पानी में 8 खुदा तैरते रहते थे, जिनमें मर्द खुदाओं का सर मेंढक की तरह और औरत खुदाओं का सर सांप की तरह था। फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने एक अंडा पैदा किया और उसी अंडे से ये दुनिया बनी। बाज़ कदीम मिस्री ये समझते थे कि आसमान की देवी नट इंसानी शक्ल में ज़मीन पर झुकी हुई है। बाज़ कदीम मिस्रियों का ये भी ख्याल था कि सूरज का देवता गरूब आफ्ताब के बाद कश्ती में बैठकर ज़मीन के नीचे से पानी में होता हुआ फिर मशरिक की तरफ चला जाता था और फिर आसमान से अपना नया सफ़र शुरू कर देता था। 4000 साल कबल मसीह के मिस्रियों का नज़रिया था कि इब्तदा में इस दुनिया की जगह सिर्फ पानी और अजीम अंधेरा छाया हुआ था और इन दोनों के दरमियान सिर्फ खला थी। इस खला में खुदा रहता था जिसको वो रा कहते थे। इस खुदा ने पानी से ज़मीन बनाई और अंधेरे से आसमान। ये लोग दरियाए नील के दोनों किनारों पर नज़र आने वाली ज़मीन को ही कुल दुनिया समझते थे और बाकी इनके ख्याल में सिर्फ पानी था। इसी तरह सोमेरिया और बाबुल के लोगों का ख्याल था कि इनके देवताओं में से एक देवता मर्दक ने काफ़ी ताकत हासिल कर ली थी। इसने समंदर के खुदा तयामत को मार डाला और ख़ुद अजीम कुवत का मालिक हो गया। इसने तयामत के मुर्दा जिस्म के ऊपरी हिस्से को आसमान बनाया और निचले आधे हिस्से को ज़मीन। इसी तरह यरूशलेम के लोगों का ख्याल था कि खुदा ने आग और बर्फ़ को मिलाकर दुनिया बनाई। वो लोग समझते थे कि ज़मीन से आसमान का फासला 500 बरस की मुसाफत का है। इनका यह भी ख्याल था कि ज़मीन चिपटी यानी फ्लैट और साकिन है। कदीम चीनी आसमान और ज़मीन को मुर्गे के अंडे की तरह तसव्वुर करते थे। इसके ऊपरी आधे हिस्से को आसमान और निचले आधे हिस्से को ज़मीन कहते थे। वो ये भी समझते थे कि ज़मीन के नीचे सिर्फ पानी था और ज़मीन इस पानी पर तैर रही है जैसे अंडे की जर्दी अंडे की सफ़ेदी पर तैरती है। बाज़ चीनी आसमान को भाप पर टिका हुआ समझते थे। इनके ख्याल के मुताबिक आसमान और ज़मीन का फासला तकरीबन 27,000 मील था। इनके ख्याल के मुताबिक अगर आसमान पर से पत्थर फेंका जाए तो वो ज़मीन पर आने के लिए एक साल का वक्त लगेगा। ऐसे ही कदीम हिंदुस्तानियों का अकीदा था कि ब्रह्मा देवता कई रोज़ तक पानी में कंवल के फूल पर खड़ा होकर तपस्या करता रहा। बाद में इसने एक अंडा बनाया जिसका ऊपरी आधा हिस्सा आसमान और निचला आधा हिस्सा ज़मीन बन गया। बाज़ कदीम हिंदुस्तानियों का ख्याल था कि प्रजापति के आंसू पानी में गिरने से दुनिया बनी। ब्रह्मा के मानने वालों के मुताबिक ज़मीन से आसमान के किनारे का फासला इतना है कि अगर घोड़े के ज़रिए तय किया जाए तो 1000 दिन लगेंगे और ज़मीन से आसमान की ऊंचाई वो 1000 गायों की बुलंदी के बराबर समझते थे जो एक दूसरे पर खड़े किए गए हों। बाज़ लोगों का ख्याल था कि आसमान सिर्फ पानी से भरा हुआ है। भगवत गीता के मानने वालों का ख्याल है
کے بھگوان کرشنا نے دنیا بنائی۔ قدیم ودید کے ماننے والوں کا نظریہ تھا کہ زمین کچھوے کی پیٹ کی طرح ہے، جس کا اوپری حصہ آسمان بن گیا اور نچلا آدھا زمین۔ اسی طرح اپنشدا میں لکھا ہے کہ زمین انڈے کی طرح ہے۔ قدیم یونانیوں نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں مختلف نظریات بنائے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین اور آسمان کو دیوتاؤں نے بنایا تھا، چنانچہ وہ سورج کو ایک ایسی شے سمجھتے تھے جس کو اپولو دیوتا اپنے چار گھوڑوں کی رتھ پر رکھ کر صبح مشرق سے نکلتا اور آسمان پر سے ہوتا ہوا شام کو مغرب میں اپنا سفر ختم کرتا تھا۔ ان کے پاس چاند، ستارے، موسم اور ہر موجودات و مظاہر کے الگ الگ خدا تھے۔ چنانچہ آج تک مختلف سیاروں کے نام، مثلاً مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر، نیپچون وغیرہ، یونانی دیوی دیوتاؤں کے نام سے ہی رکھے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ آسمان ایک ڈھال کی طرح ہے، جس کے اوپر زبردست آگ ہے جو آگ کو زمین پر گرنے سے روک رہی ہے۔ اس ڈھال میں موجود سوراخ ہیں، ان میں سے آگ کے شعلے نظر آتے ہیں جن کو تارے کہتے ہیں۔ بعض یونانی آسمان کو ایک ایسی عمارت کی چھت سمجھتے تھے جس کو سنگ مرمر سے بنایا گیا۔ اسی طرح بعض قومیں اللہ تعالیٰ کو انسان کے مماثل اور ہم شکل تصور کرتی رہیں، اور اسی تصور کے تحت وہ بعض انسانوں کو خدا سمجھتے رہے اور کائنات کا خالق بھی۔ وہ ایسے ہی خود ساختہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ناش رنگ کی محفلیں جماتے یا معصوم انسانوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ اگر ہم ان نظریات کو پیش نظر رکھ کر سوچیں تو محسوس ہوگا کہ ابتدائی قوموں کے پاس خلق کائنات کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اگر کوئی تصور تھا بھی تو یہ کہ وہ خدا کو انسان کی طرح سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بالکل ناواقف رہے۔ جب زمانے نے کچھ ترقی کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ یونانی مفکرین نے اپنی عقل اور معلومات کے لحاظ سے مختلف نظریے بنائے۔ بعض لوگوں نے کائنات کی تخلیق کو دیوتاؤں سے منسوب کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے مقابلے میں مادی نظریات پیش کرنے لگے۔ چنانچہ تالیس کہتا تھا کہ دنیا کی تخلیق میں دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں۔ تالیس کا خیال تھا کہ دنیا کی تخلیق پانی سے ہوئی، زمین پانی سے بنی اور ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی۔ اناکسیمینڈر کا خیال تھا کہ یہ دنیا ایک نامعلوم چیز سے بنی اور اس نامعلوم چیز سے سردی، گرمی، نمی اور خشکی وغیرہ علیحدہ ہوتے رہے، جس سے زمین، پانی اور ہوا کا وجود عمل میں آیا۔ اناکسیمینڈر کا خیال تھا کہ دنیا بھاپ اور ہوا سے بنی ہے۔ زینو ہامس سمجھتا تھا کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے روشن بادل ہیں جو ایک ہی دشا میں حرکت کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ ہر چیز مٹی اور پانی سے بنی ہے اور فنا ہونے کے بعد مٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہیراکلیٹس کہتا تھا کہ دنیا کو کسی خدا نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز آگ سے پیدا ہوئی ہے، آگ سے پانی بنا، پانی سے مٹی اور مٹی سے پھر پانی بنا۔ اناکساگورس کا نظریہ تھا کہ سورج خدا نہیں ہے بلکہ وہ ایک آگ کا پتھر ہے۔ اس نے اس قدیم نظریے کو غلط قرار دیا کہ سورج اپولو دیوتا ہے اور کائنات کے بنانے میں دیوی دیوتاؤں کا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے اس پر کفر کا الزام لگایا گیا اور اسے مختلف سزائیں دے کر قید کرا دیا گیا۔ یہی حال پروٹاگورس کا تھا، اس نے دیوتاؤں کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کائنات کی تخلیق میں دیوی دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی کتابوں کو پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ فلو لاوس سمجھتا تھا کہ زمین کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہے جس کو مٹی سے ڈھانک دیا گیا۔ پارمینڈس کا خیال تھا کہ کائنات ٹھوس مادے سے پیدا ہوئی ہے۔ انکس فوراس ایک مشہور مفکر تھا، ایک مرتبہ اس کے سامنے آسمان سے کوئی چیز گرتی ہوئی نظر آئی، قریب جا کر دیکھا تو پتھر کی طرح ایک شے تھی جو شہاب ثاقب تھا۔ وہ شہاب ثاقب سے ناواقف تھا، اس لیے اس نے نظریہ بنا لیا کہ آسمان پتھر کا بنا ہوا ہے۔
वो सूरज को गर्म लोहे का टुकड़ा समझता था और कहता था कि सूरज काबिले परस्तिश नहीं। उसका ख्याल था कि चांद तारीख जिस्म है। दुमदार सितारों के बारे में इसका ख्याल था कि वो चांद से निकलते हैं। तारों की ज़ाहरी गर्दिश के बारे में वो कहता था कि वो हवाओं के चलने से होती है। इसी तरह ज़माने की तरक्की के साथ जब लोगों की सोचो फिक्र में मज़ीद इजाफा होने लगा तो वो कायनात की तख्लीक के ताल्लुक से गौरव फिक्र करने और मुख्तलिफ नज़रियात बनाने लगे। लोकस एक कदीम यूनानी मुफक्किर था। इसका नज़रिया था कि तमाम अशिया का असल ज़र्रात हैं और ये कायनात ज़र्रात से बनी है। ये ज़र्रात वेरिएशन से महफूज रहते हैं। इसने कायनात की तश्कील को एक हादसा करार दिया। वैमुक्रेतस के बारे में कहा जाता है कि वो दूध को देखकर बकरी के बालों का रंग बतलाता था। इसका ख्याल था कि कायनात की तश्कील हादसा है और ये तश्कील ज़र्रात से हुई है। सूरज, चांद, सितारे और इंसान की रूह भी इन्हीं ज़र्रात से बने हैं। इसी तरह हेराक्लीटस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सेमेस्टस भी कायनात की तश्कील को हादसा समझते थे। पैथागोरस यूनान में पैदा हुआ और वो इल्म फलकियात, नजूम, मौसीकी, हिंसा और ज्योमेट्री में महारत रखता था। आम बुतों की पूजा से मना करता था, सिर्फ एक खुदा अपोलो यानी सूरज की परस्तिश करता था। सूरज और खुदा की अलग अलग हैसियतें करार देकर दोनों को एक जैसा दर्जा देता था। इसके अलावा अवेटर का कायल था। इसका ख्याल था कि तमाम रूहें इंसानों और हैवानों के दरमियान हवा में फिरती हैं और जब कोई नया जिस्म पैदा होता तो वो इसमें दाखिल हो जाती हैं। हुआ वो जिस्म घोड़े, गधे, परिंदे, मक्खी, मच्छर या मछली का ही क्यों ना हो, वो जानवरों के कत्ल करने से मना करता था और कहता था कि शायद इसमें किसी आदमी की रूह ना हो। वो खुद अपनी रूह के बारे में कहता था कि वो कई साबका इंसानों में रह चुकी थी जिनके वो नाम बतलाता था। कहते हैं कि इसने ज़मीन के अंदर एक हजरा बनवाया जिसमें वो एक साल तक रहा और जब बाहर आया तो लोगों को बताया कि वो एक साल तक जहन्नुम की सैर कर रहा था। इसका रूहानी नज़रिया बिल्कुल मजाकिया था, मगर अफलातून सा मुफक्किर भी इस नज़रिए का कायल हो गया और फिर इस नज़रिए को आलमगीर शोहरत हासिल हुई। सकरात एक और यूनानी मुफक्किर था। ये भी रूह की लाफानियत का कायल था। वो कहता था कि रूह जिस्म में आने से पहले एक ख़ास मुकाम पर रहती है और जिस्म के फना होने के बाद ज़मीन के नीचे एक मखसूस मुकाम पर चली जाती है। अफलातून यूनान का एक बहुत ही मशहूर मुफक्किर गुजरा है। इसने कायनात की तख्लीक के सिलसिले में कोई ख़ास नज़रिया पेश नहीं किया, बल्कि इतना कह दिया कि कायनात की तख्लीक एक हादसा है और ये हादसा हाल नहीं बल्कि बहुत ही कदीम है। इसने कायनात की तख्लीक को देवताओं से वाबस्ता करने से इनकार कर दिया। वो कहता था कि देवताओं का कोई ताल्लुक इस कदीम कायनात से नहीं है। वो मज़हब का भी कायल नहीं था। अरस्तु भी एक यूनानी मुफक्किर था। इसको मुसलमानों के हाथों आलमगीर शोहरत हासिल हुई। इसने ज़मीन को गोल और कायनात का मरकज करार दिया। इसका ख्याल था कि हर शय की तख्लीक चार अनासिर, हवा, पानी, आग और मिट्टी के अलावा इथर से हुई। कायनात के मुतालिक इसका ख्याल था कि वो अजल से है और अबद तक रहेगी, इसका कोई खालिक नहीं। इसने रूह की फजीलत पर काफ़ी ज़ोर दिया। कहते हैं कि वो मुख्तलिफ अलूम में महारत रखता था। ये तमाम यूनानी मुफक्किर खलके कायनात की किबरियाई से नावाकिफ थे। मुख्तलिफ कुव्वतों और देवताओं के परस्तिश करते थे, मादे को अजली समझते थे और रूह को ज़्यादा अहमियत देकर इसको खुदा के बराबर का दर्जा देते थे। चुनाचा इनके पास दुख, रूह और खुदा तीनों के अलहदा अलहदा वजूद थे जिनका ताल्लुक एक दूसरे से नहीं था। अंजील अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों में से एक है। इसने भी तख्लीक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ज़ाते खुदावंती से वाबस्ता किया। कायनात की तख्लीक के मुतालिक अंजील के बाद इशारात पर तनकीद की गई है कि वो तहकीकात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। चुनाचा एडिथ जाशी मोइज ने बाइबल के मुख्तलिफ इशारात के हवाले देते हुए अपनी किताब में लिखा है कि अंजील ने कायनात का जो नक्शा खींचा है वो बिल्कुल गलत है।
इसके पढ़ने से ये मालूम होता है कि ज़मीन चिपटी है और इसके किनारे हैं, इसी तरह आसमान के भी किनारे हैं और ये सतूनों पर टिका हुआ है और आसमान के ऊपर सब पानी है। इसी तरह इसने ये भी लिखा है कि अंजील में कायनात के नज़रिए से मुताला करें तो ये ज़ाहिर होता है कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और इसकी तख्लीक मौजूदा मादे से हुई है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अंजील हर ज़माने में अदल बदल का शिकार होती रही। हो सकता है कि इन्हीं अदल बदल की वजह से अंजील के इशारात को यूनानी मुफक्किरीन के नज़रियात में बदल दिए गए हों। चूँकि आसमानी किताब में ऐसे इशारात का होना मुमकिन नहीं, मगर ये इशारात इस वक्त भी अंजील में मौजूद हैं और ईसाई साइंसदान इस पर आए दिन तनकीद करते रहते हैं। अंजील में जो फलकियाती नज़रियात का इल्म जो आसमान से उतारा गया था, वो इल्म हर ज़माने में बदलते रहे। हर ज़माने के लोग इसमें अपने नज़रियात शामिल कर देते थे, लेकिन क्लेमेंट और ओरिजिन जो 3rd सदी ईस्वी में शहर अफाक के पादरी गुजरे, अंजील में बदलते नज़रियात को बेहतर समझते थे। यही हाल 19वीं सदी तक रहा। चुनाचा 17वीं सदी ईस्वी में डॉक्टर जॉन लाइटफुट ने यहाँ तक कह दिया कि इंसान की पैदाइश सुबह 9 बजे 23 अक्टूबर 4004 कबल मसीह में हुई। हालांकि 16वीं सदी तक ही अंजील पर सख्त तनकीदें शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारी ज़मीन कायनात का मरकज़ है, क्या ये चिपटी हुई है, क्या ज़मीन और आसमान सतूनों पर कायम है और क्या आसमान में सब पानी है। इसका जवाब मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी नफ़ी में देगा, तो फिर ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अंजील के पढ़ने वालों के लिए इशारात कितने तकलीफदेह साबित हुए होंगे। और अब इन ईसाई साइंसदानों के बारे में सोचिए कि जिन्होंने कायनात की तहकीक के बाद अंजील के मुतालिक क्या नज़रिया कायम किया होगा। इनका तसव्वुर उस खुदा के मुतालिक किया होगा जिसको वो अंजील का खुदा कहते हैं और जिस खुदा ने पानी से भरा हुआ आसमान और चिपटी ज़मीन बनाकर इसको सतूनों पर खड़ा कर दिया। इसी तरह बाइबल का नज़रिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 4000 साल कबल मसीह में हुई, जबकि लाखों साल पुरानी इंसानी खोपड़ियां बरामद होने लगी हैं। चुनाचा अंजील के मानने वाले भी अल्लाह ताला की हकीकी अजमतों का अंदाज़ा ना कर सके और इनके दिमागों में अल्लाह ताला और इसकी अजमतों का एक महदूद तसव्वुर परवरिश पाने लगा। 2rd सदी ईस्वी में यूनानी मुफक्किर बतलीमोस ने यह नज़रिया पेश किया कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है, सूरज चांद सितारे इसके इतराफ गर्दिश करते हैं, इसने आसमान की तकसीम मुख्तलिफ दर्जात में की थी। बतलीमोस ने एक किताब मिगल्स एंड टैक्सिस मैथमेटिका लिखी थी जिसके चर्च पुरजोर तायद करता था, चुनाचा इसके फलकियाती नज़रियात बाइबल के नज़रियात से मिलते जुलते थे। इन नज़रियात के ख़िलाफ़ जब भी कोई आवाज़ उठाई जाती तो तनकीद करने वालों को काफिर और गुनाहगार करार देकर इन्हें सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती थीं। इस वीडियो में जितने भी कदीमी नज़रिए थे, ये सब कुछ इंसान के बनाए हुए थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कायनात की तख्लीक के बारे में सच्चाई और इसकी असल हकीकत अजाइलम क्यूब की नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ साइंस के पार्ट 12 में इस्लाम और कुरान के हवाले से बताई जाएगी।